please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. म्यांमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजार पर गए, यहाँ ये मजार बहादुर शाह जफर की थी, जहां पीएम म्यांमार यात्रा के तीसरे दिन पहुंचे और बहादुर शाह जफर की मजार पर पहुंचकर पीएम ने फूल चढ़ाए और पवित्र जल छिड़का। कुछ देर तक मौन रहने के बाद प्रधानमंत्री ने मजार का जायजा भी लिया। भारत में अंतिम मुगल शासक रहे बहादुर शाह जफर की मौत म्यांमार के यांगोन में हुई थी और यहीं पर उनकी मजार बनाई गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांगोन के काली मंदिर भी गए और विधिवत पूजा की। पीएम ने काली मंदिर में चुन्नी चढ़ाई और आरती के बाद आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से काली मंदिर में सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। अपनी यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त रहे। मजार और मंदिर के अलावा वो म्यांमार का दिल कहे जाने वाले शेडगोन पगोडा भी गए और बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन स्तूपों में एक शेडगोन पगोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। उन्होंने यहाँ की विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। करीब 2500 साल पुराने शेडगोन पगोडा में गौतम बुद्ध के बाल और कई दूसरी पवित्र निशानियां मौजूद हैं। इसके बाद वो बोग्यो के आंग सान म्यूजियम गए, जहां उनके स्वागत में म्यांमार की नेता आंग सान सूची पहले से खड़ी थी। आंग सान सूची ने खुद पीएम मोदी को म्यूजियम घुमाया और एक एक चीज की जानकारी दी। म्यांमार के यांगोन में प्रधानमंत्री शहीदों की समाधि पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपनी यात्रा खत्म कर भारत रवाना होने से पहले ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं म्यांमार की जनता और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने सुंदर देश म्यांमार में मेरे दौरे के दौरान अद्भुत मेहमान नवाजी की।